हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टेकी बैंकर मनीराज में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो कैनरा बैंक का नया एप्लीकेशन आया है, कैनरा ऑल इन वन AI वन ऐप, उसमें हम UPI ID कैसे बनाएंगे और UPI ID को एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बना रखा था इस एप्लीकेशन के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें पूरा प्रोसेस बताइए और ATM कार्ड को कैसे यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ATM कार्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्टिवेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस वन बाय वन स्टेप बताया है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, कोई कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। और मैंने बहुत ही जो माइन्यूट जो दिक्कतें और गलतियाँ होती हैं लोगों से, वो सब मैंने इसमें डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, वैसे तो बहुत छोटा एप्लीकेशन है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन जो है एक सुपर ऐप है, मतलब कैनरा बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें 250 प्लस ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं। अब देखिए जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसमें आपको सभी को अलाउ करना पड़ेगा, जैसे कैमरा, लोकेशन, फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको ये अलाउ करने को बोलेगा, तो आपको हर चीज़ को अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि चूँकि इसमें 250 प्लस ऑप्शंस हैं तो कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है, इसलिए वो SMS को, आपके रिकॉर्डिंग को, आपके फ़ोन को, सबको अलाउ करने को बोलता है। अगर आप एक भी चीज़ डोंट अलाउ में क्लिक कर देंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। अब देखिए ये एप्लीकेशन जो है फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हो रहा है, और इस तरीके से ये एप्लीकेशन दिखता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आप UPI ID के थ्रू भी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक होता है MMID, उसके थ्रू भी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक इसमें ऑप्शन दिया है डायरेक्ट पे, उसके थ्रू भी आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताइएगा, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। अब देखिए ये पहला स्क्रीन आ गया है। अब यहाँ पे जो है सिम सेलेक्ट करने को बोलता है, सिम आपकी वही सेलेक्ट करनी है जो कि आपने बैंक में दे रखी है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर है वो दो कस्टमर ID में नहीं ऐड होना चाहिए, मतलब सपोज़ अगर आपके और आपकी मदर का जॉइंट अकाउंट है तो दोनों की कस्टमर ID अलग अलग बनी होगी, तो दोनों की कस्टमर ID में एक ही नंबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की कस्टमर ID में एक ही नंबर है तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। अब देखिए पहला स्टेप जो था OTP ऑथेंटिकेशन में, वो कम्प्लीट हो चुका है, जिसमें मोबाइल जो नंबर जो है वेरीफाई हो चुका है। अब जो है दूसरा जो स्टेप है वो है OTP ऑथेंटिकेशन, मतलब इस एप्लीकेशन ने हमें OTP भेजा होगा, पहले उसने क्या किया मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है OTP को ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे जो भी मुझे OTP आया है उसको मैं डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद तीसरा स्टेप है क्रिएट पासकोड। अब यहाँ पे आपको अपनी मर्जी का 5 अक्षर का 5 डिजिट का पासकोड बनाना है, ये कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी नंबर ये हो सकता है, लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसा कंटिन्यूस नंबर नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस नंबर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर आपने इस एप्लीकेशन को पहले भी यूज़ कर रखा है और आपने उसमें कोई पासवर्ड बनाया होगा तो वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको एक नया पासवर्ड ही बनाना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें मैं जो है ये पासकोड इसमें डाल देता हूँ। अब दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब मेरा ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड लास्ट में बनाया था 5 डिजिट का, वो मुझे इसमें डालना होगा। और देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है रजिस्टर विथ बायोमेट्रिक, मतलब अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब देखिए जैसे ही मैंने ये किया तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, इसको पढ़ के आप आई एग्री कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, आप लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो अब दोस्तों हमारा दूसरा एक ऑप्शन, एक हमारा क्वेश्चन है कि हम UPI ID, चूँकि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी एक UPI ID बनानी होगी, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को UPI में। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन है UPI, आपको दिख रहा होगा उस UPI ऑप्शन में एक ऑप्शन है रजिस्टर, ये देखिए रजिस्टर, तो उस रजिस्टर को आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको UPI में रजिस्टर पहले होना होगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम UPI को यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इसमें UPI डिवाइस
बाइंडिंग, मतलब यूपीआई जो है इस डिवाइस को समझ रहा है, पकड़ रहा है, ठीक है। अब इसको आपको ओके अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि अब आपका यूपीआई आईडी जो है रजिस्टर हो चुका है। अब हमें दूसरा ये काम करना है कि हमें अब एक यूपीआई आईडी बनानी है। रजिस्टर तो हो चुका हमारा, अब हमको यूपीआई आईडी बनानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है माई यूपीआई अकाउंट, आपको दिख रहा होगा माई यूपीआई अकाउंट एक यहाँ पे ऑप्शन है, आपको उसमें क्लिक करना होगा। अब देखिए चूंकि तो मैंने वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया है और मैं बहुत पहले से यूपीआई अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो जब मैं यूपीआई अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो आपको मेरा यूपीआई ऑलरेडी बना हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप और भी कोई नया यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब जो आपका यूपीआई आईडी बना हुआ है उसके अलावा भी आप एक नया यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं माई यूपीआई अकाउंट में। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा यूपीआई अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए दिखाया है, अब आप यहाँ पे जो ऐड बैंक अकाउंट जो लिखा हुआ है आपको वहाँ क्लिक करना है ऐड बैंक अकाउंट में। ये देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अगर पहले से कोई यूपीआई आईडी बना हुआ है तो वो दिखाएगा, और आप एक क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी भी कर सकते हैं जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी, आपको वहाँ क्लिक करना है। दोस्तों आप स्टेप्स को समझिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है ना रजिस्टर किया आपने आपको यूपीआई में। यूपीआई रजिस्टर करने के बाद आपका मोबाइल रजिस्टर हो गया, फिर आपने यूपीआई आईडी बना रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, यूपीआई आईडी बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप क्या है कि सेलेक्ट बैंक, पहला स्टेप क्या था क्रिएट यूपीआई, दूसरा स्टेप क्या है सेलेक्ट बैंक। तो आपको बैंक जो भी आपकी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उस बैंक में आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 जितने भी अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स आपको यहाँ दिखने लगेंगे। अब वो अकाउंट अगर किसी यूपीआई आईडी से लिंक होंगे तो वो भी शो करेगा, और अगर नहीं होंगे तो केवल अकाउंट ही शो करेगा। तो आपको जो भी अकाउंट को लिंक करना है या फिर जिसका भी यूपीआई बनाना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद अगर आपका पहले से बना हुआ यूपीआई आईडी, तो देखिए जैसे मेरे मैसेज आया था कि आपका यूपीआई आईडी इस अकाउंट के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा मैसेज आएगा आपको। अब दोस्तों इसके बाद जो एक स्टेप है, देखिए पहले स्टेप क्या थी, फिर समझिए बात को, रजिस्टर करना अपने आप को। दूसरा स्टेप क्या था माई यूपीआई अकाउंट बनाना, ठीक है। तीसरा स्टेप है जो अकाउंट आपके बैंक के आ गए हैं उनको एक्टिवेट करना। ये देखिए यहाँ पे जो बैंकिंग ऑप्शन था उसमें मैं गया, सबसे ऊपर बटन थी एक्टिवेट अकाउंट, वो मैंने क्लिक किया। एक्टिवेट अकाउंट के बाद देखिए यहाँ पे था कि आप अपना एक्टिवेट कीजिए। अब देखिए एक्टिवेट करने के बाद बोलता है एंटर एम पिन, मतलब आपको एक एम पिन बनाना होगा 6 डिजिट का। तो ये एम पिन जो है आपका यही ट्रांजेक्शन पासवर्ड होगा, यहाँ पे आप जो पासवर्ड डालेंगे यही पासवर्ड आपको हर जगह काम आएगा। अब देखिए इसको रजिस्टर करने के दो तरीके हैं, एक है एक्टिवेशन कोड के थ्रू और दूसरा है डेबिट कार्ड के थ्रू। भाई एक्टिवेशन कोड क्या होता है, ये आपको ब्रांच से मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप ब्रांच जाके एक्टिवेशन कोड ले सकते हैं, और दूसरा है डेबिट कार्ड। अब दोस्तों एक्टिवेशन कोड उनके लिए ज़रूरी होता है जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है, मतलब आप अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के भी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, बस आपको एक्टिवेशन कोड लेना होगा जो कि आपको आपकी ब्रांच से मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास चूंकि डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है मैं उसको चूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए डेबिट कार्ड में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड के मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहा है, ताकि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो अब ये कार्ड डिटेल्स पहला ऑप्शन है, दूसरा है सेलेक्ट एन अकाउंट, और तीसरा है मैनेज अकाउंट। तो कार्ड आपको डिटेल्स डालनी होगी, यहाँ पे कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद अब आपको ये अकाउंट्स दिखा रहा है आपके कि उस कार्ड में आपके कितने अकाउंट लिंक है। तो जैसे मेरे 2 अकाउंट लिंक हैं, तो आप चाहे तो एक सेलेक्ट करें या दोनों सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। तो चलिए बटन इसमें क्लिक करते हैं, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया। मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी स्टेप थी, एक स्टेप थी कि
कि आपको पहले अपना मोबाइल बैंकिंग जो है चालू करना होगा, एंटर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यूपीआई में रजिस्टर करना होगा। यूपीआई में रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूपीआई आईडी बनानी होगी। यूपीआई आईडी बनाने के बाद फिर आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। अब एक्टिवेट दो तरीके से हो रहा था, या तो डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर एक्टिवेशन कोड से जो कि आपको ब्रांच से मिल जाता है। ठीक है, अब ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस थी यूपीआई अकाउंट या यूपीआई आईडी चालू करने की, कौन से मोबाइल ऐप में, कैनरा एआई वन में। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर कैसे यूपीआई आईडी या अकाउंट एक्टिवेट करें, तो इस वीडियो में मैंने सारी की सारी जानकारी दी है। अब चाहे तो जैसे आपको बैलेंस चेक करना है, अब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया तो आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। ऊपर क्लिक करके अब आप इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आई होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी अच्छी नहीं लगी। दोस्तों इंटरेक्शन करेंगे तो ही मैं आने वाली वीडियोस को और जो है सुधार पाऊँगा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा। तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और बनाई हैं कि इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो कैसे यूज़ करना है, तो आप वो सारे वीडियो ज़रूर देखिए जाकर, ताकि इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो आपको सारे समझ में आ जाएं। तो चलिए ऐसी वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।